नमस्कार मित्रों, आज हम मिलते हैं परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के जिला उपाध्यक्ष मुजफ्फरपुर के प्रमोद कुमार जी से और इनसे जानते हैं प्रतिक्रिया कि सुप्रीम कोर्ट में अगली जो सुनवाई होने वाली है 31 जुलाई को, उस पर इनकी क्या रणनीति है। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार, जिला परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ जिला उपाध्यक्ष। अगली रणनीति के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तमाम नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं से करवत प्रार्थना करता हूँ कि वे तमाम संघीय दीवार को तोड़कर, और चूंकि हमारे ये जीवन का सवाल है समान काम समान वेतन, इसमें हम लोग किसी, हम ये न कहें कि हम इस संघ में हैं हम उस संघ में हैं, हम सभी संघीय दीवार तोड़कर और सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे केस की आवाजों को बुलंद कर रहे हैं उनका हम दिल खोल कर मदद करें। साथियों, जैसा कि ज्ञात है कि बीच में कुछ लोगों ने र्यूमर उड़ा दिया था कि ये डेट बढ़ गया वो डेट बढ़ गया, इन सब बातों पर हमको ध्यान नहीं देना है। अब चूंकि हमारा लक्ष्य एक है, समान काम समान वेतन, और इन तमाम लक्ष्य को लेकर तमाम संगठन को एक साथ बैठाया गया था जिसमें हमारे शिक्षक चौपाल का बहुत अहम भूमिका था, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि हमारे तमाम संगठन के लोग एक नहीं हो पाए। फिर भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सभी संघ के लोग पूरी तन्मयता से लड़ रहे हैं। इसमें हम शिक्षकों का दायित्व बनता है कि हम उनके कंधे से कंधे मिलाकर हर प्रकार अर्थ मान यश इत्यादि से हम उनका मदद करें और उनके मनोबल को गिरने नहीं दें। जिस प्रकार पिछले सुनवाई के दौरान हम तो व्हाट्सएप बहुत कम चलाते हैं, कभी संजीव भाई से व्हाट्सएप देख लेते हैं, कभी मुकेश गुप्ता जी से देख लेते हैं, उसमें देखा कि हमारे शिक्षकों का मनोबल गिर रहा था, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं हारिए न हिम्मत और विसारिए न हरि नाम। हम लोगों को समान काम समान वेतन हर हाल में मिलना है। हम उदास मत हूँ, लेकिन मेरा करबद्ध और नम्र निवेदन प्रार्थना है कि हम तमाम संघीय दीवार को छोड़कर हम एक नियोजित हैं और हम हमारे जितने संगठन के लोग हैं उनको हम हर रूप में मदद करें ताकि वो वहाँ अच्छे से अच्छे वकील रख सके। इसके लिए मैं तमाम शिक्षकों से पुनः निवेदन नियोजित शिक्षकों से करना चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मदद हमारे तमाम संगठन जिनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।